मामला है। ये सिलवान पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशानुसार कि सभी युवाओं में बढ़ते हुए नशे की प्रवृत्ति और प्रभावी अंकुश लगाने के लिए हम आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब और मादक पदार्थों की बिक्री एवं तस्करी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध समस्त थाना प्रभारियों और प्रभारी अशोक जी बागेश्वर के द्वारा अभियान चला करके बड़ी कार्रवाई के लिए निर्देशित किए गए। इसी परिप्रेक्ष्य में कल दिनांक 13/12/2021 में सब इंस्पेक्टर श्री कुंदन सिंह रोतेला प्रभारी अशोक जी और कोतवाली बागेश्वर की संयुक्त टीम ने इसके नगर क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब और मादक पदार्थ की बिक्री के दौरान मुठभेड़ की सूचना के अनुसार धारी के पास हनुमान मंदिर के पास एक अल्टो गाड़ी और एक शिफ्टी गाड़ी तथा एक ये टाटा 407 और टैंकर नुमा था। इसमें करीब तीनों गाड़ियों में 100 पेटियां जो 1200 बोतलें शराब के बरामद कराई और जिसमें 7 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और इनको आबकारी एक्ट के अंतर्गत जो है 60/72 पंजीकृत करके गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और ये जो था हरियाणा से, ये शराब जो है हरियाणा से आ रही थी, हरियाणा काशीपुर रामनगर नैनीताल अल्मोड़ा से सोमेश्वर और गिरिसेना के रास्ते से, और पता चला कि ये जो है इधर दूरस्थ गांव सूफी में की ओर ले जा रहे थे लोग। तो इसमें हमारे अशोक जी टीम ने बहुत मेहनत करके इस तरह से पकड़ा जो हमारे जनपद के लिए, उत्तराखंड के लिए और आगामी चुनाव के दृष्टिगत जो है बड़ी सफलता मिली, जिससे इस अवैध जो ये तस्करी शराब का चल रहा इसकी कमर तोड़ने के लिए काफ़ी पर्याप्त ये हमारा बहुत अच्छा अभियान रहा।